हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल चल रहा है, तो मैं फटाफट आपको ये लेजेंडरी गेम प्ले बता रहा हूँ। ये 7 दिन का क्वेस्ट है और इसमें वही रिपीट होगा। तो इस बार फिर से कोलोसस आया है, तो मेरी ये टीम है और मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। आपने जो भी टीम यूज़ किया है वो आपके डिफ़िकल्टी के हिसाब से तो वो बढ़िया ही है। तो चलिए फटाफट इसे पूरा करते। और कोलोसस है और इसमें वही है दोस्तों कि आप स्पेशल अटैक जैसी ओपोनेंट जैसी स्पेशल अटैक करेगा आप वहीं पे रूटेड हो जाओगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो मेरी कोशिश यही है फटाफट। मेरे पास करीब 27 समथिंग मिनट्स है, तो इसके बीच में मैं पूरा कर दूँ, अदरवाइज़ रिक्वेस्ट यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों पहला तो आसानी से हो गया कोलोसस, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे ही आपको स्पेशल अटैक करेंगे आप वहाँ से हिल नहीं पाओगे, तो आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि उनको वहीं पे ब्लॉक कर देना है। और इसके लिए स्पाइडर ग्वेन बहुत अच्छी है। हालांकि मैं कॉर्वस के साथ कर सकता था, पर मैं जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ तो मैं इसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि नाइट क्लॉरर काफ़ी ज़्यादा इवेट करता है। और अब ये नहीं कर पाएगा इवेट। दोस्तों मेरा फोन थोड़ा लैग होता है जैसा कि आपको पता ही है, तो इसमें चीज़ हो जाती है। तो देखा दोस्तों, आपने आपके पास भी स्पाइडर ग्वेन है तो उसे फटाफट आप रैंक कर दीजिए क्योंकि वो बहुत कमाल की चैंपियन है। इसमें आपको मैजिक और आइसमैन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उससे आप बच के रहिए। और इसके लिए मैं डोमिनो को ले जा रहा हूँ क्योंकि डोमिनो फास्ट किलर है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो डोमिनो बेस्ट है। और ये 7 दिन का अलग अलग क्वेस्ट है दोस्तों, और पहले के 3 दिन जो है आज कल और परसों बहुत आसान है, आप लेजेंडरी आराम से कर सकते हो। अगर आपके प्लेयर काफ़ी ज़्यादा 5 on 5 और अच्छे प्लेयर है तो आप आराम से लेजेंडरी कर सकते हो, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप चाहे तो इसे जमा भी कर सकते हो, जो कि मैंने भी इसे यूज़ किया है जमा करके करने का, वो काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स। अगर आप एक साथ सारा जमा करो और 7 दिन बाद आप एक ही के ऊपर वो सारे डाल दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम होता है 1 दिन का और आप उसमें आराम से कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने बार भी आप करो। पर इजी करो और सारे लेजेंडरी लो ताकि आपको बेनिफिट मिले।
दोस्तों आपने देखा मुझे एक भी मैजिक का हिट नहीं लगा, पर फिर भी मेरा इतना ज़्यादा हेल्थ चला गया क्योंकि उसका जो लिम्बो है वो काफ़ी गंदा है, तो आपको उसका थोड़ा ध्यान देना है। अभी भी मेरे पास 20 मिनट है, उम्मीद तो यही है कि फटाफट ये हो जाएगा, पर चलिए देखते आगे का क्या है। स्टॉर्म है तो उसके सामने मैं डोमिनो ही ले जा रहा हूँ। और दोस्तों प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, काफ़ी करीब हूँ मैं 100 सब्सक्राइबर पे, तो प्लीज़ यार इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये भी हो गया, आगे बढ़ते। अगला प्लेयर कौन सा है? ओके, डेडपूल एक्सपोर्स है। मेरे पास अभी भी 19 मिनट है फिलहाल। इसको मैं कैप्टन से खेलूँगा। सारे म्यूटेंट है दोस्तों, तो एक अच्छा है कि आप म्यूटेंट के ओपोनेंट ले सकते हो टेक। फ्रेंड्स थर्ड अटैक नहीं होना चाहिए था, बट हो गया, कोई बात नहीं, देखते। हेल्थ कुछ तो बचना चाहिए। यार ऑलमोस्ट हाफ हेल्थ ले गया। ओ माय गॉड, ये तो टू मच था यार, इतना ज़्यादा ब्लीड कौन देता है, कम ऑन। वरना अकेला कैप्टन ही सब कुछ कर देता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सत्रह मिनट कुछ बाकी है दोस्तों अभी भी मेरे पास, और इसमें रोग है। चलिए मैं डोमिनो से ट्राई करता हूँ इसको केओ करने का, क्योंकि कॉर्वस मुझे आइसमैन के लिए चाहिए। आइसमैन काफ़ी तगड़ा स्कोल्ड स्नैप है, अगर आपने स्टार्टिंग के डेज देखे होंगे तो ये बहुत तगड़ा है।
थोड़ा सा टाइमिंग में प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, जिसके कारण मैं KO हो गया। चलिए, मेरे पास वॉइड है, स्पाइडर गवेन है, अभी भी टाइम है, तो उम्मीद तो यही है, यही लोग पूरे कर देंगे। कोशिश यही रखिए, आप जो भी डिफिकल्टी खेले, रिवाइव जितना हो सके कम ले। तो दोस्तों 14 मिनट है, आइसमैन और वुल्वरीन है, उसके बाद मेन बॉस है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और अब कॉर्वस ग्लेव का ही काम है यहाँ पे, क्योंकि कोल्ड स्नैप काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि 37,000 के ऊपर की पीआई है इसकी। बस ये फटाफट फर्स्ट अटैक या सेकेंड अटैक करे। अरे यार, दोस्तों इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर ये हल्का सा लैग होने के कारण मैं KO हुआ हूँ, अदरवाइज़ मेरा एकदम परफेक्ट टाइमिंग था और सब कुछ एकदम बढ़िया ही रहा। पर जो मेरा फ़ोन है वो इतना ज़्यादा स्पीड नहीं है, जिसके कारण मेरा लैग हो जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, सोचा नहीं था रिवाइव करूँगा, पर रिवाइव करना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें हो जाती है फ्रेंड्स, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपका फ़ोन आपका साथ नहीं देगा तो। तो चलिए, रिवाइव लेना नहीं चाहता था पर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका फ़ोन आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर आप एक चीज़ कर सकते हो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़। तो कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों तब भी, पर तब मैं पीछे नहीं जा पाया क्योंकि मेरा फ़ोन वहाँ लैग हो गया, पर अब आराम से हो गया। अभी भी 11 मिनट है मेरे पास। कम ऑन यार, अब नेट इशू ना हो। कॉर्वस ग्लेव ही ले जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वॉइड को मैं ले जाऊँगा, और वॉइड अगर नहीं टिका तो वापस से टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कॉर्वस ग्लेव को ले जा के खेले तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और वुल्वरिन का रीजनरेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आप KO कर सकते हो उसे।
वाह, कमाल करा बाकी, मानना पड़ेगा बुलबरी। तो दोस्तों चलिए अब अपन फाइनल पड़ाव पे जा रहे हैं, जो कि कोलोसस है। और अभी मेरे पास 9 मिनट है। स्पाइडर ग्वेन से इसे शुरू करते हैं। मैं भूल गया दोस्तों, इसे जितना हो सके फर्स्ट अटैक पे आपको रखना है। अगर आप इसे फर्स्ट अटैक पे नहीं रखोगे तो ये अनब्लॉकेबल है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। आपको इसे फर्स्ट अटैक पे ही रखना है, चाहे जो भी हो। ये जितना ज़्यादा फर्स्ट अटैक पे रहेगा उतना आपकी ज़्यादा सेफ्टी है। चलिए वॉइड से इसे कोशिश करते ख़त्म करने की। अभी भी 8 मिनट है ख़त्म होने में। ठीक ठाक रहा दोस्तों, पर इतना भी नहीं कि किए हो सके। पर चलिए ठीक है, कॉर्वस से इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये आखिरी रिवाइव है मेरे पास। इसके बाद अगर नहीं हुआ तो क्लिप्स डालना पड़ेगा। और अभी भी मेरे पास 7 मिनट पड़े। तो दोस्तों आज कल और परसों वाला तो बहुत इजी है, बस आपको ढंग से खेलना है। अरे यार, जब भी आप टाइम अटैक फेस करोगे फ्रेंड्स, आपको ये प्रॉब्लम होना ही है, जिसमें आपको दे मतलब के क्लिप्स तो डालने ही पड़ेंगे, जबकि यहाँ जरूरत ही नहीं थे 40 क्लिप्स के, क्योंकि ये टाइम अटैक है इसलिए इसे डालना पड़ रहा है।
कुछ था ही नहीं, उसके बावजूद मुझे 40 क्लिप्स डालने पड़े जबकि इजी था एकदम। तो दोस्तों ये था 7 डेज का साइड क्वेस्ट शैडो बेस रेड्स। आप देख सकते हो इसमें आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग के बाद के 4 दिन नहीं खेल पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर आपको वेट करना है। एंड के 4 दिन नहीं खेल पा रहे हो तो आप स्टार्टिंग के 3 दिन वापस से खेल सकते हो, जिसमें आपका आराम से हो जाएगा। देखिए अभी भी मेरे पास 4 मिनट है और मेरा रिक्वेस्ट पहले ही पूरा हो गया। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।